भावनाओं को मैंने हिंदुस्तान साथ के से बातचीत में रखा है अपने विषय को, और आपने भी आश्वस्त कराया कि हम आपकी बात को 4 बजे प्रदेश नेतृत्व से बात भी करेंगे। और यह बात तय है कि पार्टी नेतृत्व ने हमें जो आदेश दिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सिपाही है, जो भी आदेश ऊपर से मिलेगा उसको करेंगे। कार्यकर्ता तो एक अनुशासित पार्टी है, निश्चित हम पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान पुनः कैसे लौटे, इस बात के लिए माननीय यूनुस खान साहब से बातचीत भी की है, और जो वातावरण टोंक में जिन लोगों ने गंदा करा उसकी भी बातचीत की है। तो निश्चित सारा विषय जो आपकी मन की बात है, आपकी मन की पीड़ा है, निश्चित मैंने माननीय यूनुस खान साहब के बीच में रखा है, और आपने उस बात को काफ़ी हद तक समझा भी है, और आपने कहा भी है कि निश्चित इसको कहीं भी उचित जगह पर मैं बात रखकर कुछ ना कुछ समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता भी जो है वो यही है कि हमें अब सामने कांग्रेस का भी प्रत्याशी जो है PCC चीफ है, और हमारे सामने भी हमारे PWD मिनिस्टर यूनुस खान साहब है। अभी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, सारी बातें आप और हम सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा विचार परिवार हमें जो आदेश देगा, हमारे ऊपर कशिश नेतृत्व हमें जो आदेश देगा, हमारे माननीय हमारी बात तकलीफ को, हमारी पीड़ा को हमने आपके सामने रखा है, ये सारे विषय ऊपर जाकर रखेंगे, और जो भी आदेश हमें ऊपर से मिलेगा निश्चित हम काम करने का प्रयास। मेरा जोड़ के सबसे विनम्र निवेदन है कि 2008 से 13 और 2003 से 8 में जब मैं मंत्री था, और 8 से 13 में जब मैं चुनाव हार गया था, जब भी आपके घर में प्रभुलाल जी के साथ खाना खाने आया। 5 वर्षों से हम दोनों साथ विधायक हैं राजस्थान की विधानसभा। 5 वर्षों से मैं PWD का और ट्रांसपोर्ट का दोनों का मंत्री। इस विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क भी, इतनी सी भी, 1 इंच भी बनी हो तो वो माननीय हमारे वर्तमान विधायक अजीत सिंह जी मेहता के रिकमेंडेशन से बनी है। मैं मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ और कार्यकर्ताओं के भी सामने कह रहा हूँ कि 1 इंच भी, 36 ग्राम पंचायतें हैं, 36 की 36 में पहले फेज में कौन सी बननी है, दूसरे फेज में कौन सी बननी है, तीसरे फेज में कौन सी बननी है, मिसिंग लिंक कहाँ बननी है, वो जो माननीय हमारे अजीत सिंह जी मेहता जी दी वहीं बने। और मेरे इनके प्यार स्नेह है, प्रभुलाल जी की हमारी तिकड़ी है, सब जान। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ। जय चंदो के लिए बोलो। एक ही नेता, गंज जिले का एक ही नेता, गंज जिले का एक ही नेता, बीजेपी बीजेपी अभी है 11 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, जब तक हम दोनों MLA, 11 के बाद में जनता फैसला देगी, पता नहीं हम MLA कौन रहे, कौन नहीं है, कौन बने, ये 11 तारीख को, 7 तारीख को जनता तय करेगी। अब इनको पार्टी ने टिकट दिया, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, और उसके बाद में मेरे को पार्टी ने आदेश देकर के, मैं डीरुणा से ही लड़ना चाहता था, पूरा मीडिया जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, पार्टी जानता है। अब मुझे यहाँ पार्टी ने निर्देशित किया, मैं आया, और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इनके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में जो हुआ वो, उससे मैं भी आहत हूँ, दुखी हूँ, और क्योंकि हम मित्र हैं और एक पार्टी में काम करते हैं, एक विचारधारा के हैं, हम अलग अलग के नहीं है। तो अब ये जो विषय जितना टोंक में मेरे पिछले 24 घंटे में आया, ये सारा विषय मैं शीर्ष नेतृत्व के सामने रखता हूँ। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि कार्यकर्ता बंधुओं, आपके मान और सम्मान क्यों रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, और मैं इसके लिए ऊपर बात करूंगा। इस्तीफा